हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अपने घर पे हैं, सेफ हैं। कोरोना वायरस के को लेके जो लॉकडाउन अभी 14 अप्रैल तक डिक्लेयर्ड है, उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों पे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने आसपास के सारे इलाकों को। फ़ोन डिवाइसेस जो भी आप यूज़ करते हैं, सभी चीज़ों को, ये सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़रूरी है हम सभी के बेटर हेल्थ के लिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 7 अप्रैल यानी कि कल से हम एक नया, हमारी पूरी टीम एक नई सीरीज़ लेके आ रही है 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में। और जैसा कि उस 3 कैटेगरीज़ का जो एज ग्रुप है, कैटेगरी ए दैट विल बी ऑफ 8 to 10 ईयर्स, यानी कि 8 से 10 साल तक के उम्र के जो बच्चे होंगे वो पहले कैटेगरी में आएंगे। कैटेगरी बी में आ जाते हैं 11 से 15 तक के बच्चे। कैटेगरी सी 15 ऑनवर्ड्स या 15 से लेके उसके आगे के जो भी लोग हैं वो सभी कैटेगरी सी में आ जाते हैं। इन तीनों कैटेगरीज में डिफरेंस यही है कि कैटेगरी ए में सिर्फ ना सिर्फ बच्चे बल्कि हाउसवाइफ्स, मदर जो उन बच्चों को पढ़ाने में उनके साथ लगती हैं, उनका होमवर्क करवाती हैं, या छोटे छोटे सेंटेंसेस में जिन्हें ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश की रोज़मर्रा के जीवन में, उन सभी के लिए ये कैटेगरी ए परफेक्ट होगा। ताकि आप शुरुआत में जो इंग्लिश सीखना चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, और उसके लिए हम सभी जानते हैं अंग्रेज़ी बहुत ही ज़रूरी है, तो आप बहुत आसानी से, बहुत ईजिली आप कैटेगरी ए में अपने आप को कम्फर्टेबल महसूस कर सकती हैं। आपके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर यूज़फुल मिलेगा। कैटेगरी बी में 11 टू 15 ईयर्स के सभी बच्चे, और अगर इसमें भी हाउसवाइव्स हैं, मदर्स हैं, जिनको कि अपने 11 टू 15 ईयर्स के बच्चे को पढ़ाने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए भी काफ़ी कुछ आपके लिए कैटेगरी बी में मिल जाएगा। कैटेगरी सी में 15 से लेके वो सारे वर्किंग लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं जॉब में आने के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए जिन्हें ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो कैटेगरी सी में आ जाएंगे। तो ये तीनों कैटेगरीज जो हैं, जैसा कि हमने बताया था हमारे पिछले वीडियो में कि 7 अप्रैल को ये तीनों वीडियोस जो हैं आ जाएंगी। उसके बाद कल के बाद से इस वीडियो का मतलब ये जो वीडियोस आएंगी, ये तीनों कैटेगरीज जो आएंगी वीडियोस की, वो वीक में 2 दिन हर कैटेगरी का 2 वीडियो हुआ करेगा। कैटेगरी ए के लिए हो जाएगा मंडे और थर्सडे, कैटेगरी बी ट्यूसडे और फ्राइडे हो जाएगा, कैटेगरी सी की क्लासेस आपकी आएंगी, वीडियोस जो आएंगी वो वेंसडे और सैटरडे को, यानी कि हर कैटेगरी की 2 क्लासेस होनी हैं आपके 1 हफ्ते में। ये तो हो गए हमारे क्लास के स्केड्यूल की बात कि हमारी क्लासेस आखिर होनी कैसे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कल क्लास शुरू होने के पहले जो तैयारियाँ ज़रूरी हैं कि आप सभी घर पर, जाहिर सी बात है अभी बाहर जाना संभव नहीं है, तो हम हमारे पास जो घर पे चीज़ें रखी हैं उनका ही उपयोग करके हम बेहतर से बेहतर काम अभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है, क्योंकि आप एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि आप कैसे इस क्लास को करेंगे, और सिर्फ ना करेंगे ही बल्कि कैसे उसको अपने लिए यूज़फुल बनाएंगे, और बाद में भी अगर आप कभी चाहें तो उसको आप देख सकते हैं कि क्या पढ़ाई की थी आपने। तो उसके लिए 2 सेपरेट नोटबुक्स यानी 2 अलग अलग कॉपी आप बना लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल नई हो, पुरानी भी हो सकती है, अगर आपने उसमें कुछ पेजेस यूज़ किए हुए हैं तो उसको फोल्ड करके आप एक नए सिरे से नए क्लास के लिए शुरू कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि 2 नोटबुक्स का क्या करेंगे, तो 2 नोटबुक्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी। 1 नोटबुक जो कि आप इस क्लास में जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल्स मैं आपको दूंगी, वो आप वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपको हर क्लास में कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, सम सॉल्व करने के लिए एग्जांपल्स दूंगी, जो कि आप दूसरी नोटबुक में करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि पहली जो नोटबुक है वो आपके लिए एक नोट्स के फॉर्म में धीरे धीरे करके वो एक अलग ही नोट्स आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगी, और जो दूसरा नोटबुक है उसमें आप हमेशा ये चेक करते रह सकते हैं अपने लेवल पे भी कि कितना सुधार है, मैंने कितना सीख लिया, कितना और सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो वीडियोस आपको अपडेट होंगी, अपलोड होंगी हमारे YouTube चैनल पे, वो हमेशा रहेंगी, तो आप देख के आराम से बिल्कुल
देख सकते हैं, अपने आप को असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितना इम्प्रूव किया है आपने, कितना सीख लिया है। तो इसलिए दो नोटबुक्स, पुरानी हो तो भी कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, दो नोटबुक्स रखने हैं सबने। और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इस पूरे, ये जो पूरा आपका एक जो तीन अलग अलग कैटेगरी की क्लासेस होंगी, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि सिर्फ ना लॉकडाउन में, लॉकडाउन के बाद भी हम 60 दिनों तक हर कैटेगरी की 60 क्लासेस कंप्लीट की जाएंगी मिनिमम। अगर ज़रूरत पड़ी फिर आगे भी वीडियोस बनेंगी उस चीज़ पे अंग्रेजी सिखाने के लिए, तो 60 वीडियोस कम से कम बनाई जाएंगी। और तीनों कैटेगरीज में, तीनों ही कैटेगरीज में आपको 200 शब्द, कम से कम 200 शब्द आपको इस ड्यूरेशन में दिए जाएंगे, वो कैटेगरी ए हो, कैटेगरी बी हो या कैटेगरी सी हो, कम से कम 200 शब्द आपको दिए जाएंगे। और साथ ही साथ उसकी हिंदी भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। बस करना ये है कि जो पहले वाली नोटबुक आपने बनाई है उसमें उन शब्दों को आप लिखते जाएं उनके मीनिंग के साथ। उससे होगा ये कि धीरे धीरे इन 60 दिनों में आपके पास खुद ब खुद बनाई हुई एक डायरी क्रिएट हो जाएगी, जिसमें कि वो 200 शब्द होंगे जिसके कि मतलब आपने सुने हैं, देखे हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम कुछ सुनते हैं या देखते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है, हमारी मेमोरी में वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक, लंबी अवधि तक वो हमारे मस्तिष्क में रह जाती है। तो उम्मीद है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैंने आज आपको इसलिए सिर्फ बताया ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं, आपकी प्लानिंग अच्छे से हो जाए कि कैसे कल से आपको ये क्लासेस स्टार्ट करना है, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने का उद्देश्य है कुछ नया सीखना। इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा हम कैसे ले सकें, कैसे इस चीज़ को हम प्रोडक्टिव फॉर्म में यूज़ कर सकें, तो ये जानकारी देनी थी। कल के वीडियोस की प्रतीक्षा करें, कल 3 से 6 के बीच में, इनफैक्ट हर हफ्ते 3 से 6, मतलब शाम के 3 से 6 बजे के बीच में वीडियोस, जिस कैटेगरी को जो दिन दिया जाएगा उसके हिसाब से 3 से 6 के बीच में वीडियोस आपकी अपडेट हो जाया करेंगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे इस चीज़ का लाभ उठा पाते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हमारे YouTube चैनल को आप जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स जो भी हैं, आपके भाई बहन हो, आपके घर में बड़े बूढ़े जो भी, जिन्हें भी आपको लगता है कि ये उनके लिए कारगर हो सकता है, आप उनके साथ शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।